वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। पहले हमारा नाम गुलराज था, अब हमारा नाम विराट है और ये हम पहले से ही अपने मूल निवासी थे। हमारे जो पूर्वज वगैरह थे वो पहले से सनातनी थे, वही चीज़ देखते हुए हमको अपने देखते हुए आगे आगे ये सब समझ में आया कि क्या है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या खराब है, वही सब देखते हुए अपने वापसी अपने जो है मूल अपने मूल धर्म में आ गए। सनातनी धर्म में, मुस्लिम धर्म में क्या कैसे पता लगा आपको कि आप मुस्लिम हैं? अब ये समाज बहुत बड़ा है, यहाँ से उठना बैठना चलना फिरना इसमें तो सब पता चल ही जाता है कौन सा सही है कौन सा खराब है। तो कोई परिवार सही हुए हैं वो या अकेले आप? नहीं नहीं, हम अकेले हुए हैं। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माँ है, बहन है, भाई है। तो क्या उन्होंने ऐतराज नहीं जताया? नहीं, किसी को ऐतराज नहीं है, किसी को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। सब अपनी इच्छा से हो रहे हैं, अपनी इच्छा से अपने मूल धर्म में आए हैं। अच्छा, आप उसी घर में रहेंगे, दिक्कत नहीं होगी क्या? जी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या होगी? आपके अंदर ये आस्था कैसे जागृत हुई कि नहीं हमें हिंदू धर्म? भगवान की आस्था जगाने के लिए कोई प्रकट बनाना नहीं पड़ता, मन अपने आप हो जाता, अपने आप बन जाता। देखिए हम लोग धर्म का कार्य करते हैं, सनातन धर्म सबसे पहले धर्म था, इससे बड़ा ना पहले कोई धर्म है, ना अभी है, ना आगे कोई होने वाला है। सनातन धर्म में जो हुआ है दुनिया में कहीं भी कोई पैदा हुआ तो सनातनी है। अगर कोई भी ये कहता है कि हमारा फला धर्म है तो धर्म मजहब तो हो सकता है लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, ये सनातनी है, ये हमारे भाई हैं, ये भटके हुए थे, इन्होंने अपने घर में पुनः वापसी की है। कुछ लोगों ने यातायातियों ने आतंकवादियों ने गुंडों ने जबरदस्ती इन लोगों को यानी मजहब को इस मजहब को एक मजहब बनाया और इनको बरगलाया। उसको बरगलाने के लिए आज इनको एहसास हो गया इस बात का कि हमने लोगों ने बरगलाया था, वो कोई धर्म नहीं है, वो एक मजहब है जहाँ एक एग्रीमेंट होता है और यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ये परिवारवाद है। यहाँ सात जन्मों का साथ होता है, भाई भाई होते हैं, चाहे किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग हो लेकिन चाचा ताई भाई बहन रिश्ते होते हैं लेकिन वहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है। ऐसे मूल धर्म में जो इन्होंने अपने को एहसास किया, आज बड़े हो गए और इनको धर्म की जानकारी हुई कि सच्चाई क्या है, सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म के बारे में पढ़ने के बाद में इन्होंने इसमें वापसी की है स्वेच्छा से, हम लोगों ने इनका समर्थन किया है, स्वागत किया है और इन्होंने स्वेच्छा से हमारे पास आए थे और कहा था कि मैं स्वयं सनातन धर्म में आना चाहता हूँ। हम लोगों ने संगठन के द्वारा वार्ता की, महाराज जी जो आए हुए हैं आपसे वार्ता की और आप सभी लोगों ने सहयोग किया और इनका स्वागत करते हैं और इनसे मैं सभी भटके हुए भाइयों से निवेदन करता हूं कि पुनः अपने सनातन धर्म को अपनाने का काम करें, राष्ट्र को बचाने का काम करें, धर्म को बचाने का काम करें। आतंकवादी आज खत्म हो गए हैं, अब केवल और केवल धर्म बचा है, वो सनातन धर्म है। सभी लोग सनातनी हो जाइए और जय श्री राम का नारा लगाइए, भारत माता की जय।